साहिबगंज में अभियान प्रशिक्षण केंद्र में झारखंड सोशल फोरम की साहिबगंज इकाई की बैठक ललित स्वदेशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 30-31 अक्टूबर 2023 को रांची में होने वाले दो दिवसीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड में सोशल फोरम के राज्य समन्वयक घनश्याम ने कहा कि राज्य स्तरीय सम्मेलन में संथाल परगना समेत पूरे झारखंड की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की जानी है। आज की बैठक में संथाल परगना में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें संथाल परगना के विभिन्न जिलों में व्याप्त सुखाड़ पर चर्चा की गई। संगठन की ओर से किसानों को सुखाड़ से राहत दिलाने के लिए मनरेगा के तहत तुरंत काम दिलाने की पहल करने की मांग की गई। इसके साथ ही रोजगार के लिए पलायन करने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित करने तथा इसकी जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने और सुखाड़ ग्रस्त परिवार की महिलाओं तथा बच्चों के लिए पोषित भोजन उपलब्ध कराने की मांग सरकार से की गई। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो झारखंड में झारखंड सोशल फोरम 30-31 अक्टूबर को हो रहा है, उस सम्मेलन में यहाँ के लोग शरीक हों और जिले की समस्या के बारे में चर्चा करें। यहाँ पे जो लोग आए थे उन लोगों ने बहुत सारी समस्याएं उठाई हैं साहिबगंज जिले की, जिसमें बच्चों की समस्या है, पलायन की समस्या है, सूखा की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, ट्रैफिकिंग की समस्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो सहभागी हैं इन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और इन लोगों ने कहा है कि हम 30-31 तारीख को रांची पहुँचे हैं और रांची पहुँच करके वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे ताकि देश के स्तर पर इस सवाल को उठाया जा सके और सरकार इनके प्रति संवेदनशील हो और अपनी जिम्मेदारी सरकार निभाए। बैठक में साहिबगंज, दुमका, मधुपुर जिले के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय सम्मेलन में संथाल परगना के 150 प्रतिभागी भाग लेंगे। बैठक में विभिन्न संस्था के लोग शामिल थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।